टू माई यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर हर्ष शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की है। आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। और आप लोगों को अध्याय आज पढ़ा रहा हूँ समाकलन। समाकलन में से आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। इंटीग्रेशन में से आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को उधर जो इस वीक में आप लोगों को क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसमें से एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने वैक्सीनेशन मतलब कंप्लीट किया था। मैंने आप लोगों को वैक्सीन भी लगवाई थी, तो आप लोग कोविड-19 की वैक्सीन भी लगवा लीजिए अगर आप लोग 18 प्लस हो गए हैं तो। ठीक है, तो मैं तो अब 18 प्लस की मेरे यहाँ कैंप लगा हुआ था, तो इस वजह से उसको लगवाई थी। तो इसी वजह से थोड़ा सा एक दिन आपकी डिले हो गई थी क्लास, मेन मोटिव ये था तभी। और शनिवार को मैंने आज की वीडियो आज ही शूट की है, तो इस वजह से तो आज बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो शूट कर लेता हूँ पहले एक दो दिन के लिए, तो इस वजह से तो वहाँ बता नहीं पाया था, तो ये बता रहा हूँ। तो आप लोग को वहाँ पर कोविड-19 की कम्युनिटी में आप लोगों को बॉक्स में मेरा सर्टिफिकेट भी आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग वहाँ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। तो आप लोग कोविड-19 और मेरी जो वैक्सीन लगी हुई है कोविड शील्ड वाली लगी हुई है। ठीक है, आपके पास दो तीन वैक्सीन आती हैं। एक कोवैक्सीन होती है हमारे पास, ठीक है, वो भी आप लोग लगवा सकते हैं। और एक आपके पास होती एक और है, तो हमारे यहाँ पे कोविड शील्ड ही लग रही है, तो वो भी वही लगवाई गई है, तो वही मैंने भी लगी है। तो इस वजह से आप लोगों क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से आज आपको बता रहे हैं आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर 18 प्लस हैं तो आप लोग वैक्सीन का ज़रूर यूज कीजिए, वैक्सीन आप लोग ज़रूर लगवाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास लिखा हुआ है, 4 का ए में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x dx लिखा है। इसका जो बी पार्ट लिखा है वो लिखा है लॉग एक्स बेस 10 और dx। ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है, तो इसको आपको लगाना है, तो लगा लेते हैं हम। क्या सॉल्व करेंगे ए नंबर, तो इसको क्या करेंगे x लॉग 2x dx। अब देखिए आई लेट में हमारा लॉग पहले आता है, लेब्रिक बाद में, इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकेंड। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, जो द्वितीय फलन का क्या हो जाएगा हमारे पास समाकलन। फिर हो जाएगा लॉग 2x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, जी लॉग का होता है लॉग एक्स का वन अपन 2x होता है, फिर 2x करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, जो बचेगा हमारे पास dx अकेला बचेगा, तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग 2x बाई 2 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ 1/2 बार कर देंगे, यहाँ बचेगा एक्स dx। अब एक्स dx का फिर से समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग 2x बटे 2 माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई 2 दूना 4 प्लस सी, जो हो गया आपके पास आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास बी, ये नोट कीजिए फिर बताते हैं आपको बी नंबर, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसके जो कोविड-19 के साइड इफेक्ट हैं आपके पास क्या होता है, फीवर आया था मुझे, और मेरी बॉडी में पेन भी हुआ था, मतलब टूटन टाइप की जो होती है वो, तो आप लोग लगवाइएगा जी। आप पे साइड इफेक्ट ज़रूर होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो आपको फिर से मेडिकल आप जहाँ से लगवाएंगे वहाँ पे आप संपर्क कीजिए उससे, तो आप लोगों को कुछ बताएंगे। ये 100% श्योर होता है। बुखार भी आया था, फीवर 2 दिन आया था मुझे, 2 दिन दवा लेनी पड़ी थी मुझको। अब काफ़ी थोड़ा सा आराम है, इस वजह से वीडियो मैंने शूट किया है आपको। ठीक है, तो एक आपको शॉर्ट वीडियो या कम्युनिटी में आप लोगों को वीडियो जरूर आया होगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। मेरा सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया मैंने, आप लोग सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। ओके, तो नोट कर चुके हैं, अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर इसी का बी। देखिए बी में लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा है सवाल, इसको देखो थोड़ा ओपन करेंगे तो जो होता है हमारा लॉग
जो 10 है उसको हम ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई इंटू में जो हो जाएगा लॉग ई बेस 10 डी एक्स। ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे जो हो जाएगा लॉग ई बेस 10 जो हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई डी एक्स। यहाँ पे एक फंक्शन नहीं दिया है तो हम एक फंक्शन रख लेंगे, इसको मान लेंगे सेकेंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट, हो गया जी। हमारे पास वैसे रहेगा तो ये बचेगा लॉग 10 बेस ई प्रथम फलन लॉग एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा, द्वितीय फलन का समाकलन ठीक। अब जो हो जाएगा हमारे पास लॉग ई बेस 10, अब जो हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स बेस ई इंटू में हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स एक्स कट जाएंगी तो बचेगा हमारे पास लॉग ई बेस 10 लॉग एक्स बेस ई इंटू में एक्स माइनस करिए एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपके पास आंसर, क्वेश्चन नंबर बी इसका कंप्लीट हो गया। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग उसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नोट हो गया अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपको 5। 5 में लिखा हुआ आपके पास दो सवाल दिए हुए हैं, क्या दिया पहला एक्स ई टू पावर ए एक्स डी एक्स, दूसरा लिखा आपके पास e टू पावर 1/x डी एक्स बटे एक्स क्यूब, ये लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो जो जाएगा a, तो जो जाएगा इंटीग्रेशन ax इंटू में e टू पावर ax डी एक्स। अब देखिए अलजेब्रिक बाद में पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लेंगे। प्रथम फलन सेम फार्मूला भाई, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होता है, ए एक्स का अवकलन कर लेंगे और बटा कर देंगे, ए हो जाएगा माइनस इसका एक ही बचेगा ई टू पावर ए एक्स बटे ए और ये हो जाएगा डी एक्स। तो बचेंगे एक्स ई टू पावर ए एक्स बटे माइनस 1/ ए, ये हो जाएंगे ई टू पावर ए एक्स बटे ए प्लस सी, हो जाएगा एक्स ई टू पावर ए एक्स बटे माइनस ई टू पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस सी। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका ए, ठीक है। अब चाहो तो इससे एक आंसर आपको और दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है क्या ई टू पावर ए एक्स बटे ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1/ ए और प्लस सी, ये भी दे सकता है, आपको घबराइएगा नहीं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब लगाएंगे 5 का बी, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको 5 का बी, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं 5 का
ए आप बताएंगे 5 का B, 5 का B आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन में लिखा है ई टू पावर 1/x dx (x³). इसको थोड़ा सा हम बना लेंगे, ई टू पावर 1/x इसको x² में x dx लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना इसको मानेंगे 1/x बराबर क्या मान लेंगे t। ये ऊपर चला गया x²-1 = t। अब यहाँ पे x के सापेक्ष इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का x²-2 dx = dt। तो dx बटे हो जाएंगे x²-dt। अब इसकी जगह पैमान रख लेंगे, हो जाएगा ई टू पावर टी इंटू में आ जाएगा हमारे पास टी और -dt, माइनस का मान लेंगे जो हो जाएंगे टी ई टू पावर टी डी टी। अब देखिए टिक्रो एलजेब्रिक बाद में पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान लेंगे। तो ये माइनस प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, टी इंटू में ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी प्लस सी माइनस। अब देखिए ई टू पावर हम टी कॉमन ले लेंगे और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे ई टू पावर टी, ये हो जाएगा 1 + t, 1 - t + c। टी के मानक देंगे 1/x इंटू में 1 - 1/x + c। आंसर हो गया आपके पास 5B कंप्लीट हो गया। तो जी नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको 6 नंबर सवाल। जल्दी नोट कीजिए, आपके पास अगर किताब है तो 6 नंबर सवाल भी बहुत ही इजी है। इसके सवाल हम आपको बताएं, जैसे 2 नंबर सवाल बताया था सेम उसी तरीके से आपको 6 नंबर सवाल लगाना है, बस थोड़ा सा केयर करके लगाना है। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया होगा आपके पास, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आपको, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसके आगे बढ़िएगा। फिर आगे आज आपको कल आपको आगे बताएंगे, इसके आगे वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, आप लोग के पास किताब होगी, आप लोग देखिएगा किताब से सवाल आप लोग लगा सकते हैं। वही लिखा है x sin 3x का समाकलन बताइए, तो आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग का तो चाहो तो हम आपको होमवर्क में दे सकते हैं सवाल, आपको हम लिख देते हैं, सवाल लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ए नंबर पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx, बी नंबर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin²x dx, सी नंबर में लिखा है x tan²x dx, डी नंबर में लिखा है x - 3 e^(x/(x-1)³3dx, ये लिखा हुआ है। तो ये आपको सवाल लगाना है, ये आपको क्या होमवर्क में आपको सवाल दे रहे हैं हम, इसमें से आपको डी नंबर नहीं आएगा हम बता देंगे, बाकी सारे आप सवाल लगा सकते हैं, इनको लगा लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा दीजिए, जो लोग अभी तक नहीं किए आपके दोस्त आपके यार, आप तो स्कूल में आप लोग जाते होंगे, तो आप एक दूसरे का कम्युनिकेशन कीजिएगा और फिर चैनल का नाम बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।